हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज आप लोगों से जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्लांट किंगडम। कल हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर देखा कि आरएच विटेकर ने हमें 5 किंगडम दिए और उसमें से जो प्लांटी है उसमें कौन आते हैं भाई। प्लांटी वो है जिनके अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लांटी है। दूसरा उसके साथ में कैरेक्टर क्या होता है, इनके अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस, की इनमें पाई जाती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति की उपस्थिति रहती है और सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से सेलुलोज की जो बनी होती है इनको डिफरेंट, सेलुलोज की जो वॉल है वो इनको अलग करती है किनसे, एनिमल से ना। और दूसरा ये फोटोसिंथेटिक और वो होते हैं हिटरोट्रॉफिक। चलिए एनिमल किंगडम जो है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए प्लांट किंगडम। तो देखिए ये जितने भी है प्लांटी के अंदर जितने भी है प्लांट्स, सभी प्लांट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है कितनी ग्रुप्स के अंदर, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यानी कि 5 हमारे पास में ग्रुप्स है और इन्हीं की वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। हायर हम ये बोलेंगे लोअर टू हायर जो है ग्रुप की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एल्गी। तो आपके चारों तरफ प्लांट्स हैं, तो जैसे जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल बोलूँ या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन बोलूँ तो आप इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एल्गी। एल्गी कौन है भाई, एल्गी वो है जिनकी बॉडी जो होती है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, वो जो है वो डिवाइडेड नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है। ठीक है, तो थैलॉइड बॉडी है इनके अंदर, एल्गी के अंदर। बिफोर वी स्टार्ट एल्गी, मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आपकी एनसीईआरटी का उसको डिस्कस कर लेती हूँ पहले। कि देखिए एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है ना कि आप जितने भी प्लांट्स है ना उनको डिवाइड किया गया, कई तरह के क्लासिफिकेशन इनके टाइम टू टाइम दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो कौन सा क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो दिया था किसने, जो स्टार्टिंग में हम ये बोल देते हैं कि अरस्तु जो है उन्होंने दिया है या फिर लीनियस जो है उन्होंने दिया है, जिन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके क्या किया इनको डिवाइड कर दिया। अब जैसे इनको पहले तो हर्ब शर्ब्स एंड ट्रीज में डिवाइड किया गया एंड उसमें हम ये बोलते हैं ये जो है मॉर्फोलॉजिकल की वो किस तरह की उनकी हाइट है उस हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया। फिर एक सिलेक्शन आता है जो हम ये बोलते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया जिनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ में कुछ और कैरेक्टर्स एनाटॉमिकल वगैरह भी ऐड किए गए। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही एक्सेप्टेबल एंड मोस्ट फेमस प्लान है जिसका अभी भी उसी क्लासिफिकेशन को एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग स्टडी करते हैं या हर्बेरियम वगैरह बनाते हैं तो मोस्टली हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन यूज करते हैं फॉर द एंजियोस्पर्म प्लांट। ओके, देन फिर फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन आया जो दिया है कई सारे साइंटिस्ट हैं जैसे हचिनसन है, टक्टजन है, एंग्लर एंड प्रेंटल है, जिन्होंने उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको भी ऐड किया और उसके आधार पर जो है प्लांट्स जो है उनको डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर। साथ में प्लांट जो है उसकी क्लासिफिकेशन को जब हम पढ़ते हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी को जब हम पढ़ते हैं तो कई तरह की हम जो है ना उनका यूज करते हैं, जैसे कि कीमो टैक्सोनॉमी जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसमें कोई भी सेल है और उसके अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, जैसे कि डीएनए किस तरह का है या फिर कोई भी अगर उसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड अगर प्रेजेंट है तो उनके बारे में स्टडी करना, तो उसको भी यूज किया गया। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को भी यूज किया जाता है प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया कुछ प्लस माइनस और ये साइन वगैरह यूज करके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका एक हम ये बोलते हैं कि डाटा जो है वो तैयार करते हैं और कंप्यूटर वगैरह को यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं एक साइटोटेक्सोनोमी भी होती है जिसके अंदर जो है हम ये बोलते हैं सेल जो है सेल की हम ये बोलते हैं न्यूक्लियस जो है या फिर साइटोप्लाज्म जो है उसकी इंटरनल जो सेल की स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी की जाती है और उसको भी यूज किया गया प्लांट टैक्सोनॉमी को में, यानी कि प्लांट को क्लासिफाई करने के अंदर। तो एक छोटा सा कुछ ब्रांचेस का नाम जो है वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर स्टार्टिंग में पेज में पैराग्राफ में दिया गया है, तो आप उसके अंदर से आपके जो भी छोटे छोटी छोटी चीजें हैं उनको अपने माइंड में याद रखिए जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाती है उसमें से। ओके, तो फिर देखिए हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है एल्गी। तो हमने जो ग्रुप इनके डिवाइड किए हैं 5, उनमें सबसे लोअर मोस्ट प्लांट जो है वो एल्गी के अंदर आते हैं, वो जिनकी बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है, फोटोसिंथेटिक ये है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और हम अगर बात करेंगे एल्गी की एज ए ग्रुप होल अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसमें क्लोरोफिल ए बी सी डी सभी प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में जब हम इनका और क्लासिफिकेशन देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कौन से ग्रुप में कौन से तरह का जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है,
फिर अगर हम बात करते हैं इनके एल्गी के अंदर, तो एल्गी के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि मेनली जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, वो होता है क्लोरोफिल ए। उसके साथ में कॉम्बिनेशन के अंदर हो सकता है बी सी डी, है ना, कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। क्लोरोफाइसी इनकी एक हम ये बोलते हैं, जब हम एल्गी को और क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट कि किस तरह के पिगमेंट उनमें प्रेजेंट है, तो हम उनको तीन ग्रुप में और डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं भाई? एक है क्लोरोफाइसी, एक आता है फियोफाइसी और तीसरा आता है रोडोफाइसी। तो जो क्लोरोफाइसी है उनके अंदर ग्रीन कलर होता है, रीजन क्या है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड स्टोरेज जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? हम ये बोलते हैं कि इनके अंदर फूड स्टोरेज जो है स्टार्च है, ठीक है, वो इनमें स्टोर होता है। उसके साथ में प्रोटीन जो है ना वो भी स्टोर होता है। तो एक पायरेनोइड बॉडी होती है जो फॉर्म होती है और वो बनती है, ठीक है। तो पायरेनोइड जो है स्टोरेज बॉडीज जो है इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें, तो हम अगर हाइट की बात करें कि एल्गी जो है अगर दिखने में कैसी होती होगी, तो एल्गी जो है आप लोग देख सकते हो आपके घर में, हम ये बोलते हैं अगर थोड़ी देर के लिए पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर भी जो है ना एल्गी जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। तो एल्गी जो होती है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहती है, और अगर आप इनका साइज देखो तो ये 100 मीटर तक हो सकता है, क्योंकि जो ब्राउन एल्गी होती है उनमें कैप्स आते हैं जिनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो इनका साइज जो है बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो जाता है। ब्राउन एल्गी उसी का एग्जाम्पल है आपके पास में। तो ये आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है, तो आपको ध्यान रख के पढ़ना है। इनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करिए, रिगार्डिंग क्लोरोफाइसी, रिगार्डिंग रोडोफाइसी और रिगार्डिंग फियोफाइसी, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उनमें इस तरह के स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो यूज में आते हैं। चलिए फिर हम एल्गी के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो इनमें स्टोरेज फूड है वो अलग अलग तरह का होता है। तो अगर हम बात करते हैं रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी के अंदर देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो इनके अंदर क्या है? स्टोरेज फूड होता है, ठीक है। और अगर हम इनकी और डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एल्गी है, अगर हम एल्गी के अंदर देखेंगे तो एल्गी में किस तरह का उनमें रिप्रोडक्शन होता है, तो देखिए उनमें रिप्रोडक्शन जो है तीन तरह का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बॉडी जो उनकी सोमेटिक बॉडी, अगर वेजिटेटिव जो बॉडी है, ठीक है, वो अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और हर टुकड़ा एक नए जो है प्रोजेनी को डेवलप करता है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काउंट करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या हो गया कि कोई यूनिसेलुलर एल्गी अगर है वो फिजन कर सकती है, राइट, क्योंकि यूनिसेल जो है वो एक सेल अपना सेल डिवीजन करती है, उस सेल डिवीजन को ही वहां रिप्रोडक्शन हम बोल देते हैं। तो यूनिसेलुलर एल्गी ऐसा करती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास जो कि क्या है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, तो वो एक्चुअल में कैसे करेगी? वो बाइनरी फिजन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, तो कोई फिलामेंटस एल्गी अगर होगी तो वो क्या कर सकती है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकती है और टूट कर नए जो है अपनी प्रोजेनी जो है उसको डेवलप कर सकती है, तो फ्रेगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस स्पोर्स के थ्रू होता है। जूस स्पोर्स का मतलब क्या हो गया कि स्पोर्स पर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है ना स्पोर्स पर, फॉर लोकोमोटरी या मोटाइल जो है, लोकोमोटरी ऑर्गन जिनमें प्रेजेंट होते हैं, मोटाइल जो हम बोलते हैं स्ट्रक्चर जो होती है उसको ये वर्ड यूज करते हैं, जू वर्ड जो है मोटाइल के लिए। तो जू स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स जो मोटाइल होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत कॉमन टाइप के हैं। और इसी के साथ में एक चीज याद रखिए कि फ्लैजिला जो होता है वो अब्सेंट होता है किसके अंदर? रोडोफाइसी के अंदर, उनके अंदर कोई मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम बात करेंगे फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी की, तो उनके अंदर फ्लैजिलेटेड बॉडीज प्रेजेंट होती है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल गैमेट फ्यूजन होगा तभी उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, लेकिन ये गैमेट्स किस तरीके के हैं उसके आधार पर भी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप डिसाइड होता है। कैसे? जैसे कि आइसोगैमस किसको बोला गया है? आइसोगैमस हम उसको बोलते हैं जिनका साइज एंड हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है दिखने में शेप जो है वो सिमिलर हो, तो उसको हम आइसोगैमस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ये फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों ही कंडीशन इनमें हो सकती है, जरूरी नहीं है कि गैमेट्स जो है वो मोटाइल हो, तो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। हमारे पास में एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन है कि फ्लैजिलेटेड किस में होते हैं? यूलोथ्रिक्स के अंदर, जबकि नॉन फ्लैजिलेटेड किसके अंदर होते हैं? स्पायरोगायरा के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या है? क्लोरोफाइसी के मेंबर्स है। फिर आ जाता है अनआइसोगैमस, तो वो जो क्या है, दो गैमेट्स जो है वो साइज में कैसे है? डिससिमिलर है, दोनों साइज उनका इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यूटोरिना जो है उसके अंदर ऐसा ही होता है, अनाइसोगैमस। ऊगैमस जो है वो किसको बोलते हैं? ऊगैमस के अंदर क्या होती है कि एक मोटाइल गैमेट होता है,
जो छोटा होता है साइज के अंदर, और एक नॉन मोटाइल गैमेट होता है जो साइज में बड़ा होता है। तो जो मोटाइल साइज में स्मॉल, जो साइज में स्मॉल होता है गैमेट वो होता है मेल गैमेट, जबकि जो नॉन मोटाइल है और साइज में बड़ा है वो होता है फीमेल गैमेट। जब उनके बीच में फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हूगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट है, वॉल बॉक्स में एंड फ्यूकस के अंदर। तो एनसीईआरटी में चूंकि ये एग्जांपल के साथ में ये चीज मेंशन है तो ये क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा, इसके बाद में और ज्यादा डिटेल हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। क्योंकि देखिए जो ये प्लांट, हम ये बोलते हैं प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है या फिर एनिमल किंगडम है, इनमें इतने सारे एग्जाम्पल है। आप पढ़ना चाहोगे तो बहुत सारे पढ़ सकते हो, बट बेटर है जो एनसीईआरटी में दिए उतने ही एग्जाम्पल आप पढ़ो, नहीं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपके पास में होगी। ठीक है, फिर हम ये बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन, बिल्कुल मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि क्लासिफिकेशन जो है वो हमने इनको किया है तीन, हम ये बोल रहे हैं कि ग्रुप ये क्लासिफाई हुए तीन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से हैं। एक तो रेड एल्गी है, रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी एंड ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका बेसिस क्या है, पिगमेंट, कि किस तरह के पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के आधार पर हमने इनको क्या किया है, क्लासिफाई किया है एल्गी को। ये क्वेश्चन बनता है कि क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ है। ठीक है, फिर इसी के साथ में अगर इनकी सेल वॉल देखो तो उस पर भी डिपोजिशन हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो डिपोजिशन जो है वो भी एक, हम ये बोल देते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस का आधार हो सकता है। दूसरा, इन्होंने किस तरह का फूड स्टोर किया है, ये फूड भी तीनों में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो भी एक हम ये बोल सकते हैं कि इनमें डिफरेंस का आधार है कि कौन कौन सा इन्होंने फूड जो है वो स्टोर किया है। ठीक है, चलिए, तो ये एक चार्ट है जिसके थ्रू हमें इसकी एल्गी की क्लासेस जो है उनको हमने डिस्क्राइब किया है। अच्छे से देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी को अगर देखें तो उसमें पिगमेंट कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और उसके साथ में होता है क्लोरोफिल बी। ठीक है, फूड जो स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल है ये चीज, तो प्लांट अगर हम बात करते हैं तो वैसे ही दिमाग में आता है क्या स्टोरेज फूड क्या है, स्टार्च है, तो बड़ा इजी है। क्लोरोफाइसी है, ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड जो स्टोर होगा वो स्टार्च के फॉर्म में होगा। सेल वॉल रिजिड है, सेलुलोज की बनी होगी बिल्कुल, लेकिन सेल वॉल के ये जो सेलुलोज की जो सेल वॉल है इसके अलावा एक और आउटर लेयर इसमें प्रेजेंट होती है जो पेक्टोज की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सेल वॉल का मैटर हो गया, ये चीज जो है डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अगर बाकियों में देखोगे जैसे कि फियोफाइसी है, इनमें सेलुलोज के साथ में क्या है, एल जीन प्रेजेंट होता है, एक हम ये बोलते हैं जिलेटिनस सब्सटेंस होता है जिसकी आउटर लेयर जो होती है प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे किसके अंदर, रोडोफाइसी में, तो उसमें भी सेलुलोज है, लेकिन इसके अलावा देखिए पेक्टीन है इसमें, पॉलीसल्फेट ईस्टर जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सेल वॉल में थोड़ा डिफरेंस मिलता है कि किसका डिपोजिशन और हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, फिर हम बात कर रहे हैं अभी क्लोरोफाइसी की। तो क्लोरोफाइसी के अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर बनती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लैजिला जो होते हैं वो 2 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, साइज में इक्वल होते हैं, और हमेशा जो है एपिकल पोजीशन पे यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, हैबिटेट कैसा है इनका, फ्रेश वाटर के अंदर हमें मिल रहे हैं, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्टी वाटर में ये मिलते हैं, फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स बनते हैं, बिल्कुल जूस पोर्स तो बोलते हैं इसीलिए उनको क्योंकि वो मोटाइल है। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, पहले रखा गया था यहाँ पर, बाद में अभी हम इसकी स्टडी कहाँ करते हैं, इसकी स्टडी हम करते हैं प्रोटिस्ट में, क्योंकि यूनिसेलुलर वहां पर आती है। ठीक है, वॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड कारा, ये जो है ये सारे के सारे क्लोरोफाइसी के मेंबर है। कारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, रीजन क्या है भाई कारा के अंदर, क्योंकि कारा जो होती है नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो नॉन जैकेटेड होते हैं। ठीक है, जैकेट उनमें प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन कारा के अंदर अगर आप देखोगे तो कारा के अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हम ये बोलते हैं कि जैकेटेड होते हैं, और उनके अंदर हम ये बोलते हैं कि वही अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, हम ये बोलते हैं मेल एंड फीमेल जो है उनको आप देख सकते हो, है ना। तो वो जो है कारा के अंदर जो करेक्टर जो प्रेजेंट है, स्पेसिफिक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनमें प्रेजेंट है, ये स्पेशल है, क्योंकि काराज को अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है इवोल्यूशन की दृष्टि से, क्योंकि एल्गी जो है वो आगे अगर एडवांस लेवल पे गई है, उससे अगर हमें बोलते हैं कि नई जो है प्लांट डेवलप हुए हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स आए हैं, तो ये चीज को शो करता है, इवोल्यूशन को शो करता है कौन, कारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फियोफाइसी, इसमें क्लोरोफिल ए के साथ में सी प्रेजेंट होता है, पहली चीज याद रखिए। फिर इसके अलावा इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये सब प्रेजेंट है। स्टोरेज फूड जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन स्टार्च जो है वो स्टोरेज फूड है किसका, आपका फियोफाइसी का। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये होता है।
तो लेमिनेरिन स्टार्च जो है, कौन सी एल्गी जो है उसका स्टोरेज फूड है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो फ्लैजिला है वो एक तो अनइक्वल होंगे और दूसरे वो क्या होते हैं, लेटरली यहां पे इस तरह से लेटरली जो है वो अपने जो है स्पोर्ट्स उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर वही बाइफ्लैजेलेटेड जूस स्पोर्ट्स बन रहे हैं, एग्जाम्पल याद रखिए एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है फियोफाइसी के। रोडोफाइसी क्या होती है भाई, ये रेड कलर की है, इनमें क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, सॉरी क्लोरोफिल डी एंड आर फाइको इरिथ्रिन जो है इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रेड कलर के होते हैं। फूड इनमें स्टोरेज है फ्लोरिडियन स्टार्च। इनके अंदर फ्लैजिला जो है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखा जा सकता है, ये भी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चीज, क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो अगर हम ये अगर बोलते हैं एल्गी के अंदर, तो ये क्योंकि बहुत ही लोअर प्लांट है इनमें हमें देखने को नहीं मिलता, बट रेड एल्गी के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन रोडोफाइसी के मेंबर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और रेड एल्गी जो है ये क्या होती है, ये बहुत गहराई के अंदर जो है, क्योंकि सनलाइट ट्रैप अंदर तक जाती है, तो वहां जाने के बाद में ये क्या कर सकती है, वहां पे सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड बना सकती है, ठीक है। तो रोडोफाइसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखिए पोलिसाइपियोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, एंजिलेडियम, इनसे क्या मिलता है भाई, एगार। एगार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया रेड एल्गी के बारे में। कुछ एग्जाम्पल्स के लिए जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं ये भी याद रखिए, इनसे भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी कौन कौन से एग्जाम्पल है भैया, ये क्लोरोफाइसी का है, जैसे कि ये है वोल्वॉक्स की कॉलोनी और ये है आपका यूलोथ्रिक्स। तो याद रखिए जब हम पढ़ते हैं एल्गी कैसे मिलती है, तो एल्गी हमें देखने को मिल सकती है अकेले भी, है ना, और उसके अलावा अगर हम देखें तो कॉलोनी फॉर्म में भी होती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स, ये है आपका यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिलामेंटस भी होती है एल्गी, ऐसा हम बोलते हैं ना, एल्गी कैसी होती है, एल्गी यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर होती है, कॉलोनी फॉर्म में भी रहती है, फिलामेंटस भी होती है, कैल्प्स भी होते हैं। तो एल्गी में बहुत सारी वैरायटी के बारे में जब बात करते हैं तो यही एग्जांपल्स यूज में लेते हैं। देन ये है फियोफाइसी के मेंबर, जिसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है, ये है लेमिनेरिया, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। इसके बाद में ये आ जाता है आपका फ्यूकस एंड डिप्टियोटा, ठीक है। रेड एल्गी में से ये आपके पास में दो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए जो है ना एग्जांपल है, पोरफायरा है ये आपके सामने, ये डायग्राम से याद रखिए कि कौन सा है, ये पोरफायरा है और ये है पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। ये ऐसे ही याद रखिए, तो आपको जैसे ही एग्जांपल हो तो आपके दिमाग में इमेज जो है वो क्रिएट हो जाए। अब एल्गी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी देखिए हम लोगों ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया वहां पे हम लोगों ने जब पढ़ा था क्राइसोफाइट डायटम्स के बारे में, तभी हमने बोला था कि वो भी क्या है, एल्गी तो है ना, हम बोलते हैं इसमें गोल्डन ब्राउन एल्गी आती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एल्गीज आती है, तो ये शब्द हम वहां पे यूज करते हैं। तो ये जो है एल्गी, ये हम नॉर्मली वैसे भी एल्गी जो होती है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, जो अर्थ पे जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसका, ठीक है। तो 50% जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो किसकी वजह से होता है, एल्गी की वजह से होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, अब इसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है कि कौन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स करते हैं अर्थ के ऊपर, या कौन ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या कौन जो है वो सब हम ये बोल सकते हैं कि मेन जो है वो फूड बनाने के लिए प्रोड्यूसर मेन कौन है, तो प्लांट्स और प्लांट में भी कौन है, एल्गी आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, देखिए बात हमारी यहाँ पे आई गई है। इसके अलावा जो है मतलब 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, फूड के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एगार जो है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ये रेड एल्गी है, ये बड़े कॉमन एग्जाम्पल है जो आप लोगों को सबको मालूम है। हाइड्रोकोलोइड्स जो होते हैं वो भी हमें इनसे मिलते हैं, जैसे कि एल्जिन, केराजिन जो है ना रेड एल्गी से मिलता है। हाइड्रोकोलोइड का मतलब क्या हो गया, वो जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एगार भी इन्हीं में से एक है। एगार जो है उसको भी अगर पानी के अंदर घोला जाए तो वो भी क्या होता है, वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका यूज किया जाता है, इसीलिए एगार का भी जेली बनाने में, या फिर जब लेबोरेटरीज के अंदर टिश्यू कल्चर वगैरह किया जाता है तो वहां मीडिया प्रिपरेशन के अंदर भी एगार का यूज किया जाता है। क्लोरेला जो है ये एक यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच एल्गी है, जिसका यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर्स, है ना, वहां पे अंतरिक्ष के अंदर जब जाते हैं तो इसको यूज करते हैं एज ए सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी, एल्गी की, आपके दिमाग में अभी पिक्चर क्रिएट हो गई होगी एल्गी के बारे में। ज्यादा कुछ एल्गी में है नहीं, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, क्वेश्चंस इन्हीं में से ऐसे ही बनते हैं, और देखोगे अगर बार बार रिपीटिशन में
तो ऑलमोस्ट यही चीजें जो है ना बार बार पूछी गई है, अगर इन्हीं को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके अश्योर कर सकते हैं कुछ स्कोर्स को, ठीक है। चलिए नाउ द ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स जो है ये आ जाती है हमारी एल्गी के बाद में, जो है हमारी नेक्स्ट क्लास जो आती है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ऐसा बोलते हैं इनको। रीजन क्या होता है एम्फीबियंस का, क्योंकि एम्फीबियंस जो होते हैं उनको बोला जाता है जो कि हम ये बोलते हैं कि अपना लाइफ साइकिल जो है वो पूरा कंप्लीट करते हैं टेरिस्टल एनवायरनमेंट में भी और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी, यानी कि उनको अपनी लाइफ के किसी एक फेज के लिए या एक इवेंट के लिए दूसरे हैबिटेट की भी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि हो सकता है मे बी रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन को नॉर्मली रहते टेरिस्टल एनवायरनमेंट में हो, बट अपने रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती हो, तो वैसा ही कुछ है। तो ब्रायोफाइट्स जो है इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है भाई, इनकी बॉडी जो है वो भी थैलस है, इनमें भी अभी बॉडी जो है वो रूट के अंदर, स्टेम के अंदर जो है, लीफ के अंदर अभी भी डिवाइड नहीं हुई है, बट इसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक जो है वो अपेंडेजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इनकी बात करेंगे बॉडी की, तो बॉडी इनकी अभी क्या है, डिफरेंशिएटेड नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इनकी बॉडी जो है इसके अंदर आप लोग रूट लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये है राइजोइड्स, जिससे ये क्या करते हैं सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट अपना शो करते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो प्रोस्ट्रेट हो या इरेक्टेड हो इस तरीके से। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, आपके पास में मोसिस है, तो मोसिस में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये किस तरह से है, इरेक्टेड फॉर्म में है, फ्यूनेरिया है ये, ठीक है। जबकि मार्केशिया को अगर आप देखोगे तो ये प्रोस्ट्रेट है ना, जो सबस्ट्रेट होता है उसके इस तरह से चिपटा हुआ ये रहता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए तो इनकी बॉडी जो है रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने के लिए हमें मिल सकती है। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी इनके अंदर कोई वैस्कुलर सिस्टम वगैरह डेवलप जो है वो नहीं हुआ है, बट ये ऐसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो होता है, मोइस्ट एनवायरनमेंट जो होता है, या फिर वाटर की जहां अवेबिलिटी ज्यादा होती है, वैसे ही एनवायरनमेंट में आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखिए। अभी जब ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें याद रखिए कि यहीं से हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में, दो क्लियर कट हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, स्पोरोफाइट के बारे में और गैमेटोफाइट के बारे में। तो दो शब्द हैं इनको यूज किया जाएगा, स्पोरोफाइट जो है इसको बोलते हैं भाई स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट वो होते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और गैमेटोफाइट कौन से होते हैं, गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं उनको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये दो शब्द है जो ध्यान रखिए, तो इनमें हम स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जो है उनको देख सकते हैं। तो मेन बॉडी जब ब्रायोफाइट्स की पूछी जाती है कि ब्रायोफाइट्स की मेन बॉडी कैसी होती है, तो याद रखिए उनकी मेन बॉडी जो होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। और गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेड ही रहता है कौन, स्पोरोफाइट। अब वो स्पोरोफाइट जो है वो क्लियर कट हमें दिखाई भी दे सकता है और ना भी दिखाई दे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अगर हम बात करते, देखिए मार्केशिया है, मार्केशिया जो है वो एक्चुअल में अगर हम ब्रायोफाइट को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर, तो उनमें दो ग्रुप्स आते हैं, एक आता है लीवरवर्ट और दूसरा आता है मोसेस, ठीक है। इनके हम मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में भी डिफरेंस देखेंगे कुछ, तो लीवरवर्ट्स और इनकी लाइफ साइकिल में भी डिफरेंस होता है। तो लीवरवर्ट्स जो होते हैं एक्चुअल में इनकी बॉडी क्या होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रोस्ट्रेट है। इनके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं जिसे वो अटैचमेंट शो करते हैं वो यूनिसेलुलर यूनिसेल्ड होते हैं, ठीक है ना, तो एक ही सिंगल सेल्ड होते हैं आप ये बोल सकते हो, तो राइजोइड सिंगल सेल्ड होते हैं। इनके अंदर स्पोरोफाइट जो होता है ना वो डिपेंडेंट है, पर वो क्लियर कट आप उसको देख नहीं पाते हो। जबकि मोसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके राइजोइड्स क्या होते हैं, मल्टी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर जो होते हैं, राइजोइड्स हो सकते हैं, ब्रांच्ड है। यहाँ पे अगर कंडीशन देखोगे तो स्पोरोफाइट क्लियर कट आपको नजर आता है, ये फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में क्लियर कट आपको नजर आएगा, फुट जरूर नजर नहीं आ रहा है, तो फुट सिट्टा एंड कैप्सूल, फुट जो है वो इस गैमेटोफाइट के अंदर छुप गया है, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो जो स्पोरोफाइट होता है वो तीन पार्ट में बटा होता है, फुट सिट्टा एंड कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल वो हिस्सा है जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, लाइफ साइकिल को और हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। जब गैमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो गैमेटोफाइट के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए, जिनके अंदर गैमेट्स बनते हो मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो देखिए मार्केशिया के अंदर आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर वो हम ये बोल रहे हैं कि स्टॉक है जिसके ऊपर आर्की ये गोनिया लगी है, जिसके अंदर क्या बनते हैं आपके मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स जो है वो बनते हैं। और एंथ्रीडियोफोर वो है जिसके ऊपर एंथ्रीडिया, ये देखिए एंथ्रीडिया लगी है जिसके अंदर मेल गैमेट जो है वो फॉर्म होता है। ये देखिए एंथ्रीडियल ब्रांच का मतलब क्या हुआ, एंथ्रीडियल ब्रांच वो ब्रांच है जिसके ऊपर क्या लग रहे हैं आपके
जिसके अंदर फोम होंगे, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे। आर्किगोनिया शब्द आ रहा है तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड वर्ड है और वहां पर कौन बनेगा, फीमेल गैमेट जो है वो फॉर्म होगा। दोनों ही देखो एक ही प्लांट के ऊपर है, इसका मतलब ये कैसा प्लांट है भाई, ये प्लांट जो है वो मोनोशियस हो गया ना, दोनों एक पर ही लगा हुआ है। ठीक है, मोनोशियस मतलब क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पर हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं एक ही फ्लावर के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो दोनों एक पे ही, तो कंडीशन क्या हो गई, मोनोशियस हो गई। डायोशियस वर्ड होगा तो दोनों अलग अलग होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग अलग हो, जैसे कि मार्केशिया, मार्केशिया किसका एग्जाम्पल है, डायोशियस का, क्योंकि देखिए ये है मेल, ये है आपका सॉरी फीमेल, फीमेल मार्केशिया और ये है मेल मार्केशिया, दोनों ही क्या है अलग अलग है। ठीक है, रिक्सिया की अगर हम बात करेंगे तो रिक्सिया के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे होता है, तो वो मोनोशियस का एग्जाम्पल है और ये डायोशियस का एग्जाम्पल है। तो मोनोशियस एंड डायोशियस ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है इनके अंदर। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं लीवर वर्ड्स की, तो लीवर वर्ड में आपको क्लियर हुई पिक्चर थोड़ी सी कि लीवर वर्ड प्रोस्ट्रेट है राइजोइड्स के बारे में, एंड इनके अंदर हमें स्पोरोफाइट क्लियर कट नजर नहीं आता, यहाँ पे हमें स्पोरोफाइट क्लियर कट नजर आ सकता है, फुर्सिटा कैप्सूल के अंदर ये बटा हुआ होता है। ठीक है, लीफी इनके अंदर क्या है, एक स्टेज आती है प्रोटोनिमा स्टेज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मोसेस के अंदर, बट पहले आ जाते हैं लीवर वर्ड्स के अंदर। लीवर वर्ड के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू हमने दे दी है कि हैबिटेट कैसा है, मोइस्ट है, शेडी है। ठीक है, प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है, थैलस है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, यूनिसेलुलर ब्रांच जिसके अंदर राइजोइड्स हैं, स्केल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जेमा, हाँ बिल्कुल जेमीज के थ्रू होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टी सेलुलर बर्ड होती है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं जेमा कब बोलते हैं, और ये एक्चुअल में एसेक्सुअल बर्ड होती है, जो कि हम ये बोलते हैं वेजिटेटिवली बोल सकते हैं एसेक्सुअली न्यू प्रोजेनी जो है न्यू उसको डेवलप करती है। ठीक है, तो जेमा कप्स के अंदर मल्टी सेलुलर ग्रीन कलर की जो है आपकी बर्ड लगती है जिसको जेमीज कहते हैं। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, देन वो क्या करेंगे, वो फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद में फ्यूज हो जाएंगे, जब फ्यूज होने के बाद में ये टू एंड जाइगोट जो बना ये फिर वापस से डिवाइड करके म्यूसिस करके स्पोर नहीं बनाएगा, पहले ये किसमें डेवलप होगा, स्पोरोफाइट के अंदर, है ना, ये स्पोरोफाइट में डेवलप हो गया, इस स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो वो कैप्सूल मैंने फ्यूमेलिया के अंदर बताया था, लेकिन यहाँ लीवर वर्ड की बात करें उनमें क्लियर पिक्चर नहीं होती है, तो स्पोरोफाइट जो है उसके कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के थ्रू, फिर देन वो स्पोर्स जब डिस्पर्स्ड होंगे देन वापस से क्या होगा, सॉइल या मिट्टी के कांटेक्ट में, सॉइल के अंदर कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे, सब्सट्रेट के कांटेक्ट में आएंगे, देन वो न्यू हम बोलते हैं गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे। तो गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लोइड होता है, जबकि स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, स्पोर्स बनते हैं किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, तो यहाँ पे मियोसिस कैसा होता है, स्पोरिक मियोसिस हुआ, लेकिन गैमेट्स यहाँ पे किसके थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो वहां पे माइटोसिस के थ्रू मियोसिस हो रहा है, सॉरी माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स जो है वो बन रहे हैं। तो क्लियर हो गया, ये है लीवर वर्ड्स के बारे में। चलिए आगे नेक्स्ट मोसेस की बात करेंगे, तो वही बॉडी जो है वही स्टेम है, लीफ है, और मल्टी सेलुलर इसके अंदर क्या है, राइजोइड्स है। इनके अंदर एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, जब आपका जायगोट बन जाएगा तो वो जायगोट जो है फिर आगे स्पोरोफाइट के अंदर, सॉरी वो क्या है, आगे ये जो है स्पोर्स जब बनेंगे, स्पोरोफाइट से जब स्पोर बनेंगे तो जो स्पोर है जब वो जर्मिनेट होगा तो डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, गैमेटोफाइट के बनने से पहले वो स्पोर जो है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा बोलते हैं। ये प्रोटोनीमा फिर वापस से क्या कर सकता है, बर्ड्स बनाकर हम ये बोलते हैं, या फिर ये जो है सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाता है, देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है वो गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है। तो ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनीमा, देन ये बनाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, एंड देन जो है वो कौन बनेगा, आपका गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप होगा। तो स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनता, स्पोर से पहले प्रोटोनिमा स्टेज आती है एंड देन गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप होता है। तो प्रोटोनिमा स्टेज की प्रेजेंस मोसेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहीं पे ये मोसेस के बारे में इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद में ये आपका डायग्राम दिया गया है उसके अंदर फ्यूनेरिया का,
और इसके अंदर आपको फूड सिट्टा कैप्सूल, आपको स्पोरोफाइट भी नजर आ सकता है। बस याद रखने के लिए रख लीजिए कि इससे स्पोर डेवलप होंगे और उन स्पोर से सबसे पहले क्या बनेगी, प्रोटोनिमा स्टेज बनेगी। ठीक है, ये चीज याद रखिए, एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है आपके। चलिए उसके बाद में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, बडिंग होगी किसके अंदर, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर, और उसके बाद में बनेगा कौन, गैमेटोफाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिल्कुल वही एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया जो है उनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, एंड देन वो क्या होते हैं आपके फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से फिर बनता है स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट डेवलप करता है स्पोर जिससे बनता है गैमेटोफाइट। ये पूरा लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट का, अभी देख लीजिए इसमें क्या होता है, मेन बॉडी इनके अंदर क्या है, गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो देखिए हैप्लॉइड होता है, ये है आपका मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया। फिर आपका आ जाता है ये है फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट है एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन लगेगा माइटोसिस के थ्रू, ये एंथ्रोजोइड्स फॉर्म करेंगे। याद रखिए वो एंथ्रोजोइड्स कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड, बाई दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, आर्किगोनियम फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर बनते हैं क्या, एग, और ये वाटर के अंदर क्या हो जाता है, ये जो आपके एंथ्रोजोइड्स है ये रिलीज हो जाते हैं, तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है रिप्रोडक्शन के लिए। देन ये फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट देन माइटोसिस करके पहले क्या बनाएगा, वही एम्ब्रियो जो कि डिपेंडेंट है, एंड देन बनेगा आपका क्या, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट बनता है, देन स्पोरोफाइट के कैप्सूल में मियोसिस होगा जिससे स्पोर्स जो है वो डेवलप होंगे। अभी अगर मोसेस है तो मोसेस में क्या होगा, पहले स्पोर्स से प्रोटोनिमा आएगा, अगर लीवर बट है तो डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, गैमेटोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन वो लाइफ साइकिल आपका वापस से आया। तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों ही यहाँ पे स्टेजेस हमें देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें ब्रायोफाइट्स की, तो ये सबसे पहली चीज याद रखिए कि जब हम ये बोलते हैं सक्सेशन होता है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इकोलॉजी में हम इस चीज को पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनके अंदर सॉइल को हम ये बोल सकते हैं कि बांधने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो सॉइल इरोजन जो होता है उसको ये रोकते हैं। ठीक है, इसके साथ में देखो सॉइल को बाइंड करके भी रख रहे हैं ये, तो ये मेन इनका फंक्शन है। इसी के साथ में जब सक्सेशन होता है तो देखिए जो रॉक वगैरह जो होती है, चट्टाने वगैरह होती है जिसपे लाइकेंस लग जाते हैं, चट्टानों से फिर वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, मिट्टी जो होती है उसमें ब्रायोफाइट्स पहले लगते हैं जिसकी वजह से पानी भी इकट्ठा होता है, मिट्टी भी एक जगह रुकती है, देन ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट एंड देन हायर प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं। तो आप देखोगे जहां पे बंजर जमीन थी वहां पे अभी फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं। तो सक्सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ब्रायोफाइट्स का, याद रखिए इस चीज को। चलिए इसके अलावा ये एज ए फूड जो है कई हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए यूज में आते हैं। मोसेस वही लाइकेंस के साथ में ये क्या है, वही आपके सक्सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा स्फेग्नम जो है उसको हम पिट, इससे हमें पिट मिलता है इसीलिए हम इसको पिट मॉस बोलते हैं, राइट। पिट जो है उसको फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके अलावा इनका वही यूज किया जाता है पैकेजिंग मटीरियल के लिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है प्लांट साइंस का स्पेक्ट्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए टेरिडोफाइट्स नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट, हम फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स भी इनको बोल सकते हैं। रीजन ये क्योंकि इनमें डेवलप होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम वो हैं जो क्या करते हैं, वाटर को जमीन से लेके जाएंगे प्लांट्स के सभी पार्ट्स में, एंड जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाए उसको सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किया जाएगा फ्लोएम के थ्रू, सीधा सिंपल। तो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो सबसे पहले यही डेवलप हुआ है टेरिडोफाइट में। तो स्टीलर सिस्टम की जब आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के अंदर ही करते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट या फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो टेरिडोफाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट्स के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में याद करें तो देखिए टेरिडोफाइट्स जो है वो भी हमें वही कूल डैम शेडी प्लेसेस जो होते हैं वहां पे हमें देखने को ये मिलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है अगर देखें तो इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है किसके अंदर, भाई रूट के अंदर, स्टेम के अंदर एंड लीव्स के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि रूट, स्टेम एंड लीव हमें देखने को मिलती है टेरिडोफाइट्स में। चलिए नाउ इनमें दो तरह की लीफ जो है वो देख सकते हैं हम, एक तो क्या है इनमें हमें देखने को मिल सकती है मैक्रोफिलस और दूसरी माइक्रोफिलस कंडीशन। मैक्रो का मतलब हो गया वो जिनकी लीफ जो होती है वो क्या होती है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ी बड़ी लार्ज साइज के अंदर जो होती है वो लीव्स इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और स्मॉल साइज के अंदर लीव्स होती है उनको हम बोलते हैं माइक्रोफिलस। एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, फर्न्स जो होती है उनके लीव का साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है तो वो होती है माइक्रोफिलस। तो
दो तरह की लीव्स जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। अगर स्पोर्स के बारे में बात करें तो स्पोर्स भी जो है ये कंडीशन है कि ये जो इनका स्पोरोफाइट है उसमें जो स्पोर बन रहे हैं वो या तो एक ही जैसे हो, इस कंडीशन को हम होमोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और हो सकता है मे बी वो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हो, एक तो छोटे साइज के अंदर जिनको माइक्रोस्पोर बोल देंगे, एक बड़े साइज में जिनको मेगा स्पोर्स बोल देंगे। तो ऐसी प्लांट्स स्पीशीज जो दोनों तरह के स्पोर्स जो है प्रोड्यूस करती है उनको हम बोलते हैं हेटरोस्पोरस, और जो केवल एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है उनको बोलते हैं होमोस्पोरस। ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो वो सारे के सारे क्या थे, होमोस्पोरस थे, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है इन कंडीशन के लिए, हेटरोस्पोरस के लिए सिलेजिनेला, एजोला एंड साल्विनिया, जबकि होमोस्पोरस के लिए इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, एडिएंटम, ये एग्जांपल लाइकोपोडियम साइलोटम जो है ये सारे एग्जांपल है होमोस्पोरस के लिए। हेटरोस्पोरस जो है ये डेवलपमेंट जो है वो सीड हैबिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था इवोल्यूशन के अंदर, हेटरोस्पोरस कंडीशन, ठीक है। तो इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हो इक्विसिटम में जो है इसमें अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको नहीं मिलेगी, वो ये मिलेगी कि देखिए इसके अंदर कौन जो है ना वो इसमें मिल रहे हैं, स्ट्रोबिलस जो है इसका फॉर्मेशन मिलता है। तो इनकी वो लीफ जो होती है जो जिन पर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उन लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल, ठीक है, उन पर्टिकुलर लीव्स को। और वो जो लीव्स होती है वो क्या होती है, कई बार कॉम्पैक्ट हो जाती है और एक कोन शेप स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। तो इसकी प्रेजेंस इनमें हो सकती है, एग्जाम्पल इक्विसिटम आपके सामने दिया है, ठीक है। तो इक्विसिटम में स्ट्रोबिलस जो है कोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट। अगर हम इनकी मेन बॉडी के बारे में बात करें तो ब्रायोफाइट के अंदर मेन बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट, लेकिन इनके अंदर टेरिडोफाइट की जब हम बात करेंगे तो इनकी मेन बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट जो होता है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, समटाइम एक स्मॉल स्टेज के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। टेरिडोफाइट के अगर लाइफ साइकिल को देखोगे तो देखो इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, इनकी मेन बॉडी जो है वो क्या है, स्पोरोफाइट होती है, टू एंड होती है, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये कैसी हो सकती है, या तो हो सकती है ये छोटी छोटी पत्तियां इनमें लग सकती हैं, छोटी पत्तियां होंगी तो वो कैसी होंगी, माइक्रो है ना, माइक्रोफिलस कंडीशन है। और मेगा फिलस कंडीशन क्या होगी, जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां लगी होंगी। यहां पर जो है जिस पर स्पोर लगते हैं उन स्पेशल लीव्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पोरोफिल पर क्या लगती है, स्पोरेंजिया लगती है, स्पोरेंजिया वो है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। अभी देखो ब्रायोफाइट में हम क्या बोल रहे थे, जिसमें स्पोर बन रहे थे उसको कैप्सूल बोल रहे थे, यहाँ स्पोरेंजिया बोल रहे हैं। इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है जो मियोसिस के थ्रू क्या बनाती है, स्पोर बनाती है। अभी स्पोर दो तरह के हो सकते हैं, या तो होमोस्पोरस कंडीशन डेवलप करने वाली हो, है ना, लाइकोपोडियम में जैसे होता है, या फिर कंडीशन क्या हो सकती है कि दो तरह के स्पोर डेवलप हो रहे हो, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर जो है वो गैमेटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर भी गैमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के, उनका फिर जेंडर अलग अलग हो जाएगा। माइक्रोस्पोर जो है उससे बनेगा कौन, मेल, जबकि मेगास्पोर है उससे अगर डेवलप होगा गैमेटोफाइट कैसा बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो है वो कैसा होता है, इनके अंदर स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एक सिंपल सी लाइन के थ्रू ये चीज मेंशन है और आप लोग उसको स्किप कर देते हैं जब पूछा जाता है गैमेटोफाइट कैसा होता है, ठीक है। अब वही है, गैमेटोफाइट पर क्या होगा, अभी होमोस्पोरस कंडीशन है अगर, है ना, तो उस पर क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो है वो एक पर ही लगेंगे, एक ही उसके अंदर क्या होगा, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम जो है वो एक के ऊपर ही लगेंगे। जबकि माइक अगर हम बात करेंगे हेटरोस्पोरस कंडीशन होगी तो क्या होगा, अलग अलग प्लांट जो है वो बनेंगे, उसके अलग अलग गैमेटोफाइट जो है वो बनेंगे, राइट। तो उनके ऊपर अलग अलग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो लगेंगे। तो एंथ्रीडिया जो है वो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इनमें एंथ्रोजोइड्स बनेंगे गैमेट्स, और इनमें एग बनेंगे जो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, टू एंड स्टेज आएगी, एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन एम्ब्रियो जो है वो स्पोरोफाइट को डेवलप करेगा। तो देखिए एम्ब्रियो किसके अंदर बन रहा था, ब्रायोफाइट में। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कौन है, ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आपका एम्ब्रियो बन रहा है। नाउ द क्लासेस इसकी चार है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है, यही आपको याद करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जितने दिए हैं उतने याद रखिए, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में डिफरेंस क्या क्या है। देखिए मेन बॉडी गैमेटोफाइट है इनकी, जबकि टेरिडोफाइट्स की क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। बॉडी जो है इनकी ब्रायोफाइट्स की थैलोइड होती है, डिफरेंशिएटेड नहीं है रूट फैमिली में, जबकि इनकी डिफरेंशिएटेड होती है। वैस्कुलर टिश्यूज ब्रायोफाइट में अब्सेंट है, जबकि टेरिडोफाइट के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट इनका क्या है, इज डिपेंडेड ऑन गैमेटोफाइट, जबकि इनके अंदर क्या है, स्पोरोफाइट इनका टोटली इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वही मेन बॉडी है।
एंथ्रोजोइट्स आर बाइफ्लेजिलेटेड है, यहाँ पर मल्टीफ्लेजिलेटेड है। ये कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों को, कई बार पूछते हैं, पर याद रखिए यहाँ बाइफ्लेजिलेटेड है ब्रायोफाइट्स में, यहाँ मल्टीफ्लेजिलेटेड है, ठीक है। गैमेटोफाइट इज वेल डेवलप है इनका, ठीक है, क्योंकि वही मेन बॉडी है, जबकि इनके अंदर क्या है वो रिड्यूस होता है, पर होता है इंडिपेंडेंट है और शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है, ठीक है। चलिए नाउ जिम्नोस्पर्म, देखिए जिम्नोस्पर्म जो है ये हम ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर सीड, नेकेड सीड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कोई फ्रूट जो है वो नहीं बनता है, एम्ब्रियो जो है वो बनता है, सीड फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पर होता है, ठीक है। फ्लावर जो है वो नहीं बन रहा है, फ्लावर बनता तो शायद फ्रूट जो है वो भी बनता। तो ये जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर आप देखोगे तो इनमें रूट जो है वो कई इंपॉर्टेंट रूट्स हमें देखने को मिल सकती है, एक तो माइकोराइजा, दूसरी कोरोलॉइड रूट जो है। अब माइकोराइजा किसको बोल रहे हैं, पाइनस के अंदर क्या होता है फंजाई जो है उसके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, जबकि कोरोलॉइड रूट के अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्स करने वाले नोस्टोक एनाबिना जो है ना, ये जो है साइनोबैक्टीरिया, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, दोनों ही हेल्प करते हैं फॉर द डेवलपमेंट। अगर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होंगे तो ये जिम्नोस्पर्म पाइनस एंड साइकस जो है वो ग्रोथ भी नहीं करेंगे, यानी कि ये क्या है परमानेंट टाइप के क्या बन गए हैं, अभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन चुके हैं, ये रिक्वायर्ड रहते हैं इनके लाइफ साइकिल के लिए। चलिए ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। नाउ अगर स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम दो तरह का है, अनब्रांच्ड होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अनब्रांच्ड किसमें होगा, साइकस के अंदर, देखोगे साइकस ये प्लांट साइकस है जिसके अंदर एक ही जगह से क्या है देखो आपकी सारे के सारे यहाँ पे निकली हुए ना, जबकि यहाँ पे देखोगे तो स्टेम जो है उसमें क्या है ब्रांचिंग मिल रही है, देन जो है लीव जो है वो ग्रो कर रही है। तो पाइनस के अंदर क्या होती है ब्रांचिंग है यहाँ पे मिलती है, ये गिंगो है इसके अंदर भी आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है। चलिए नाउ लीव्स की बात करेंगे तो देखिए लीव्स जो होती है साइकस के अंदर पिनेट लीव्स मिलती है। पिनेट लीव्स किसको बोलते हो भाई, पिनेट जिसके अंदर लीव्स जो है वो इस तरह की होती है, पिनेट इस तरह की लीव्स जो होती है उसको हम बोलते हैं पिनेट लीव्स, राइट। और अगर क्योंकि ये तो मिडरिप से अराइज हो रही है, पामेट उसको बोलते हैं जब वो क्या होती है एक ही पॉइंट से निकलती है, यानी कि पिटियोल से निकल रही होती है ना सारी की सारी लीव्स, उसको हम पामेट बोलते हैं। यहाँ पे साइकस के अंदर क्या पिनेट लीव्स होती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, अगर अगर हम ये बोल रहे हैं कि बहुत तेज हवाएं चल रही है तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने की इनकी लीव्स जो होती है वो बहुत ही हम बोलते हैं कि नीडल शेप में लीव्स होती है, और इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकन स्टोमेटा होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो कम हो सके क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इस वजह से, ठीक है। इसके अलावा इनमें भी कॉन जो है वो फॉर्म होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों कॉन जो है वो मेल कॉन उसको बोलेंगे जिसके अंदर हमारे क्या लगेंगे, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, फीमेल कौन उसको बोलेंगे जिसके अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, तो सेम प्लांट में रहते हैं यानी मोनोशियस कंडीशन है पाइनस के अंदर, जबकि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में रहते हैं यानी डायोशियस कंडीशन होती है किसके अंदर, साइकस के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, पाइनस के अंदर कैसी है मोनोशियस, जबकि साइकस के अंदर कैसी कंडीशन है डायोशियस कंडीशन होती है, ठीक है। इनका जो न्यूसिलस होता है वो प्रोटेक्टेड है एनवेलप से, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ओव्यूल, है ना। एंजियोस्पर्म के अंदर ओव्यूल तो याद होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर आप लोग ओव्यूल की पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सबको याद रहता है ओव्यूल, दिमाग में जब भी आएगा तो एंजियोस्पर्म का ही आएगा, जिम्नोस्पर्म को दिमाग में लाते ही नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म में भी ओव्यूल बनते हैं, इनमें भी ओव्यूल होते हैं, ये इनका स्पोरोफिल है तो यहाँ पे इस तरीके से इनके अंदर भी क्या होते हैं ओव्यूल लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो ओव्यूल इनमें भी प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्या है वही आपका गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप होता है, ठीक है ना। सीड बन गया तो इसका मतलब गैमेटोफाइट टोटली अभी क्या है स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेड है। जिम्नोस्पर्म का भी मेन बॉडी क्या है स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म की भी मेन बॉडी क्या है स्पोरोफाइट, नाउ ब्रायोफाइट के बाद में तीनों की मेन बॉडी क्या है स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म के अंदर, गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट होता है किसके अंदर टेरिडोफाइट के अंदर, ठीक है। लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे तो लाइफ साइकिल कैसा है, देखिए जो आपका स्पोरोफाइट है उस पे लगी रहती है स्पोरोफिल्स, ये स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट हो जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं कोन, कोन दो तरह के होंगे, एक मेल कोन होगा एक फीमेल कोन होगा, मेल कोन उसको बोलेंगे जो माइक्रोस्पोरोफिल से बनेगा, माइक्रो का मतलब छोटी छोटी पत्तियां हैं और जिनमें क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होती है जिनमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, सीरीज याद कर लीजिए, मेल कोन उसको बोला जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल से बना है और जिसके अंदर माइक्रोस्पोरिंजिया लगती है जिनके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, वही माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या हो जाते हैं डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर मेल गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है डिपेंडेंट है ना, तो इसी को हमने क्या बोल दिया है
पोलन ग्रेन बोला है, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है वो रिड्यूस गैमेटोफाइट को यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि पूरा बहुत सारी सेल्स नहीं बनती है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल होती है। एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन तो याद होगा ना क्या होती है, उसके अंदर दो होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल्स फिर डिवाइड करके दो गैमेट बना लेती है, मेल गैमेट, है ना। हम क्या बोलते हैं उस पोलन ग्रेन को, पोलन ट्यूब के साथ में उस कंडीशन को ही हम मेच्योर मेल गैमेट गैमेटोफाइट बोल देते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जिम्नोस्पर्म में भी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। एंजियोस्पर्म सबने बहुत लंबा डिटेल में पढ़ा, तो वो तो पिक्चर रहती है दिमाग में। चलिए, तो पोलन ग्रेन जो है इसको क्या बोलते हैं, इसका रिड्यूस गैमेटोफाइट हम बोलते हैं, ठीक है। फीमेल में भी देख लो, फीमेल स्टॉप कौन किसको बोला है, मेगास्पोरोफिल, जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती है जिनपे मेगास्पोरिंजिया लगी होती है उससे बनता है, उसमें मेगास्पोर मदर सेल है जो क्या करती है, वही मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी और एग सेल बनाएगी। एग सेल जो है वो एग सेल किसके अंदर लगी है, लेकिन याद रखिए वो अभी जो आपकी स्पोरेंजिया है वो अभी कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। खुद आपकी जो अब हम मेगा स्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं वही कन्वर्ट हो गई ना, उसी को हम बोल रहे हैं ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर जो प्रेजेंट है एग सेल, उस एग तक पोलन ग्रेन पहुंचते हैं एंड देन पोलन ट्यूब के थ्रू अपने मेल गैमेट को रिलीज कर देते हैं, जहां पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एंड फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनेगा एंड देन वो जायगोट जो है वो क्या हो जाएगा आपका डेवलप करेगा नए हम बोलते हैं प्लांट को। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जायगोट जैसे ही बनेगा जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा एंड देन एम्ब्रियो वहां डेवलप होने से पहले ये जो पूरा ओव्यूल है उसी को हम क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे, ठीक है, याद रखिए। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीड बोल रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो ये स्पोरेंजिया है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है ना। तो ये ओव्यूल के अंदर ही मेगा स्पोरेंजिया है जहां पर मेगास्पोर मदर सेल है जो एग सेल बना रही है और ये एग वहां पे फ्यूज होके फर्टिलाइज होके क्या कर रही है, जायगोट बना रही है, जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये सब कंडीशन जो है किसके अंदर हो रही है, उस ओव्यूल में ही हुई एंड देन ओव्यूल जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो उसके बाद कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सीड के अंदर। सीड जो है वो अनकवर्ड होता है इसीलिए नेकेड सीड बोलते हैं एंड देन ये क्या होता है, नए प्लांट को डेवलप कर लेता है। तो जिम्नोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड दिए गए हैं, वही याद रख लीजिए, साइकस एंड पाइनस, राइट, लिंगो भी याद रख लीजिए। चलिए, डायग्राम में दिया है इसलिए एंजियोस्पर्म ये है सबसे ज्यादा स्पीशीज, अगर किसी की है तो इसी की है, मोर देन 50% स्पीशीज। अगर प्लांट स्पीशीज के अंदर ही हम बात करें तो ज्यादातर क्या है, 2 लाख के आसपास हम बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स जो है इनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, रीजन ये है क्योंकि इनके अंदर फ्लावर्स जो है वो लगते हैं, स्पोरोफाइट जो इनका हम बोलते हैं मेन प्लांट है उसके अंदर हम ये बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, फ्लावर होता है, जिनके अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो ऑर्गन कौन सा है, केवल मेल है या केवल फीमेल है, या फिर हो सकता है मेल एंड फीमेल दोनों ही उसके अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ओव्यूल एंड पोलन ग्रेन बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। पेटल्स एंड सेपल्स तो होते ही है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड बनते हैं बट ये सीड जो है वो कवर्ड रहते हैं, इनके अंदर फ्रूट जो है वो बनता है, ठीक है। इसके अलावा वही ये हमें क्या देते हैं, फूड, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन, बहुत सारे यूज हैं एंजियोस्पर्म के, क्योंकि हम भी जो डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं प्लांट्स वो मोस्ट ऑफ द क्या है, एंजियोस्पर्म ही है। एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन, जिसके अंदर 2 कोटिलेडन होते हैं वो डाइकॉट्स हैं, जिनमें एक है वो मोनोकोटिलेडन है। डायकॉट्स के अंदर टैप रूट होती है, मोनोकॉट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट होती है, इंपॉर्टेंट है, वैसे हम ये सब चीजें आगे डिटेल में वापस पढ़ेंगे पर फिर भी एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। डायकॉट्स जो है उनके अंदर लीव्स के अंदर वेनेशन अगर देखेंगे तो रेटिकुलेटेड है, इसमें पैरेलल है, तो ये चार्ट आप लोग देख लीजिए, लेकिन इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन आगे करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में अगर हमें मेन चीज जो याद रखनी है तो वो इतना ही याद रखना है कि इनके अंदर फ्लावर बनते हैं और फ्लावर जो है वो इनका क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसके बारे में डिटेल स्टडी तो हम आगे मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड देन रिप्रोडक्शन में करनी ही है, ठीक है। ये चार्ट देख लीजिए, लाइफ साइकिल जो है एंजियोस्पर्म का, स्पोरोफाइट के ऊपर वही स्टेमन्स है एंड देन पिस्टल लगते हैं, स्टेमन्स में क्या होता है भाई, एंथर होते हैं, एंथर में पोलन मदर सेल होती है, पोलन मदर सेल मियोसिस करती है, देन माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, देन वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब बना के अपने मेल गैमेट को ट्रांसफर करता है। तो ये पूरी स्टोरी जो है वो हम लोग आगे फिर से डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एक छोटा सा चार्ट देके हमने समझाया है, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसपे क्या लगे होते हैं, उसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है जो मियोसिस के थ्रू मेगास्पोर बनाती है, मेगास्पोर में से एक जो है वो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होती है,
जो फर्टिलाइज होती है मेल गैमेट के साथ में, एंड देन क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और वो ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर। चूंकि यहां पर पूरा का पूरा फ्लावर है, तो फ्लावर कन्वर्ट, फ्लावर के अंदर जो आपकी ओवरी है, वो ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीड जो है वो नेकेड नहीं होते हैं, यहाँ पे फ्रूट जो है वो बनते हैं। ये सीड जब मिट्टी के अंदर जाते हैं, देन इनको एनवायरमेंट मिलता है, तो ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं न्यू, किसको, आपके स्पोरोफाइट को। गैमेटोफाइट इनके अंदर क्या है, शॉर्ट लिव्ड ही है, शॉर्ट लिव्ड नहीं सॉरी, एक छोटी सी स्टेज ही है कुछ सेल्स की जो डिपेंडेड होती है किस पर, स्पोरोफाइट के ऊपर ही। तो पोलन ग्रेन जो है, अगर हम देखेंगे पोलन ट्यूब के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो किसको हम बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग बाद में करेंगे, बट ये एक छोटा सा ओवरव्यू था एंजियोस्पर्म से रिलेटेड जो हम लोगों ने देख लिया है। अभी देखिए, इनके अंदर जो है जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल सकता है, यानी क्लियर कट हैप्लोइड स्टेज और क्लियर कट डिप्लोइड स्टेज का मिलना, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और जब एक साइक्लिक तरीके से होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, तो इसको हमने बोल दिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो तीन तरह की हो सकती है ये, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लो डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक किसको बोल रहे हो, जिसके अंदर क्लियर कट हमें सिर्फ हैप्लोइड स्टेज देखने को मिलती है, जैसे कि क्या हुआ, ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोजेनेसिस के थ्रू गैमेट्स बनाए, जिनमें सिनगैमी हुई यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जाइगोट बना, मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बने, एंड ये स्पोर्स फिर से क्या हो गए, गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो गए। जाइगोट केवल एक सिंगल स्टेज ही आई है जहां पर टू एन स्टेज है, बाकी सारी की सारी क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल याद रखिए, वॉल्पो, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज, यानी कि एल्गी जो होती है उसके अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, डिप्लॉन्टिक किसको बोले, जिसमें मेनली डिप्लॉइड स्टेज जो है वही देखने को मिलती है, जैसे कि मेन बॉडी क्या है, ये देखिए स्पोरोफाइट है, जिस पर मियोसिस के थ्रू क्या बने, स्पोर्स बने, स्पोर्स ने फर्टिलाइजेशन किया, एंड देन उससे क्या बन गया आपका, स्पोर्ट्स जो है वो खुद ही, हम ये बोल देते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं, या तो ये जो है गैमेटोफाइट जो है वही, उसी को हम बोल देते हैं जिससे हमें क्या मिलते हैं, उन्हीं को हम गैमेट्स बोल देते हैं, स्पोर्ट्स को ही, जो आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, एंड देन जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन जाता है। कुल मिला के यहाँ पर भी केवल एक ही हैप्लॉइड स्टेज आ रही है, बाकी सारी डिप्लॉइड स्टेज है, स्पोर्ट्स खुद ही गैमेट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमें देखने को किसके अंदर मिलता है, ये हमें देखने को मिलती है फ्यूकस के अंदर जो, ठीक है, और उसके अलावा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, यानी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है हायर प्लांट्स में। हैप्लो डिप्लॉन्टिक जो है वो हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स के अंदर, देखो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिल रही है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट क्लियर कट है, स्पोरोफाइट से मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बने, एंड देन स्पोर्स से गैमेटोफाइट डेवलप हुआ, गैमेटोफाइट ने गैमेटोजेनेसिस के थ्रू गैमेट्स बनाए, और ये गैमेट्स ने सिनगैमी किया यानी फर्टिलाइजेशन किया, जिससे जाइगोट बना, और जाइगोट जो है स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप हो गया। इक्वली हमें यहाँ पे हैप्लोइड एंड डिप्लोइड दोनों स्टेजेस देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास में ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ठीक है, जिसमें दोनों ही इक्वली हमें देखने को मिल रहा है। तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, कैसा लगा भाई आज का रिविजन चैप्टर, तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों के लिए फॉलो अप क्वेश्चन, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से, रिवीजन आपका हो गया है, एक बार से आप रीडिंग लगाएंगे और उसके बाद में मुझे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, कितना आपको पता चल गया है प्लांट किंगडम के बारे में। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए, तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर इनके आंसर बताएंगे, और आपका रिवीजन जो है प्लांट किंगडम का कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बाय।